पिछले कई हफ्तों में मैंने ये बात आपको बताई थी कि मनुष्य पापी है, अपने स्वयं के प्रयत्न से वो अपने आप को बचा नहीं सकता। इस कारण प्रभु आज से 2000 साल पहले संसार में पधारे, मनुष्य रूप में पधारे, मनुष्य के समान जीवन बिताया। मनुष्य जिन जिन परेशानियों से होकर गुजरता है, प्रभु ने उन सब का अनुभव किया, और सबसे आखिर में प्रभु यीशु ने, जिनको अपन उत्तर भारत में ईसा भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में उच्चारण यीशु है, तो प्रभु यीशु ने सबसे आखिर में सूली पर अपना जीवन मेरे और आपके लिए अर्पित कर दिया। प्रभु ने अपने सेवा काल में ये बात बार बार बताई थी कि मैं मनुष्य के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए आया हूँ, जिससे कि मेरे बलिदान के द्वारा इस संसार का हर व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पा सके, मुक्ति पा सके, जिससे वो इस बात को समझ सके कि अब मैं प्रभु की संतान हो गया हूँ, और जिसके कारण उसके जीवन में जो निराशा है वो बदलकर आशा में बदल जाए, उसके जीवन में जो दुख है वो सुख में बदल जाए। इस नए जीवन का अनुभव मैंने आज से बहुत साल पहले किया था, जब मैंने प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु से बोला कि हे प्रभु, मैं इस बात को समझ गया हूँ कि इस संसार में जन्म लेने के कारण मैं पापी हूँ। जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन जिसने भी जन्म लिया है, हम जानते हैं उसको, बच्चों को बिना सिखाए झूठ बोलते हैं, बिना सिखाए मारपीट करते हैं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। मैंने प्रभु के सामने ये कबूल किया कि हे प्रभु, मैं इस बात को आपके वचन से समझ गया हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं इस बात को भी समझ गया हूँ प्रभु कि मुझे एक नया जीवन देने के लिए ही आप इस संसार में पधारे थे। आज मैं आपको मुक्तिदाता कबूल करता हूँ, मैं अपना उद्धारकर्ता कबूल करता हूँ। जिस क्षण मैंने ये प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया, तब से मेरे जीवन में एक खुशी है, एक शांति है, और मुझे इस बात का निश्चय है कि मैं प्रभु की संतान हूँ। इस तरह से जब एक व्यक्ति प्रभु की संतान बन जाता है, तो उसके सामने काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अपन जानते हैं, जब एक घर में बच्चा पैदा होता है, तो शुरू के साल दो साल उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। साल दो साल वो बातचीत भी नहीं कर पाता है, माँ बाप उसकी सारी ज़रूरतें देखते हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे उस उम्र में आ जाता है जब वो बातचीत करने लगता है, माँ पा या पापा जब बोलने लगता है, तो माँ बाप उसको और भी बहुत सारी बातें सिखाते हैं, हाँ ना। जब बच्चा कोई काम करने की कोशिश करता है तो अपन उसको बोलते हैं ना, नहीं नहीं। जब मान लीजिए कि किचन में स्टोव जल रहा है या गैस चल रहा है, मान लीजिए कि उसकी ऊंचाई सिर्फ इतनी है जहां बच्चे का हाथ पहुंच सकता है, तो बच्चा जब गैस के पास जाकर हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, तब हम क्या बोलते हैं? ना। अब बच्चे को हम जिम्मेदारी सिखा रहे हैं। शुरू के दो साल उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है, और हम उसको और भी बातें सिखाते हैं। जब बच्चा उससे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो अपन उसको छोटे मोटे काम देने लगते हैं कि बेटा वो उठा के लाओ, ये ले जाके वहाँ रखो। अपने को ऐसा नहीं लगता कि हम शायद उसको बड़ी जिम्मेदारी सिखा रहे हैं, लेकिन सच कहा जाए तो जब हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा वो किताब उठा के जरा पापा के पास लाओ, तो हम उस बच्चे को आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना सिखा रहे हैं। उसको ये भी सिखा रहे हैं कि जब कोई आज्ञा दी जाती है तो उसका क्या मतलब है। बच्चा जब उससे भी बड़ा हो जाता है, तब अपन उसको बताते हैं कि बेटा इस बार तुम खुद स्नान करो। पहली बार जब वो अपने हाथों से स्नान करता है, तब अपन साथ में खड़े होकर देखते हैं, उसको साबुन लगाकर दिखाते हैं, बेटा ऐसा ऐसा किया करो।
अगली बार जब वो खुद स्नान करता है तो उसके बाद हम उसके सारे बदन को छू छा के देखते हैं कि सारे बदन पर पानी गिरा है क्या, और जब देखते हैं कि पीठ पर पानी नहीं गिरा है तो उसको बताते हैं कि बेटे सर पे पानी डालो तो ऐसे डालो कि सारे शरीर पर गिरे। आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है, जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तब उसके बाद हमारे आत्मिक जीवन में इसी तरह से जैसे शारीरिक जीवन में अपन बढ़ते हैं वैसे ही शारीरिक आत्मिक जीवन में भी बढ़त होती है। शुरू शुरू में जिन लोगों ने आपको ये शुभ संदेश सुनाया था वे लोग आपको बुलाएंगे, लाएंगे, बैठाएंगे, आपके साथ गाना गाएंगे, आपके साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन से आपको सिखाएंगे, आपसे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आप स्वयं खड़े होकर अगुवाई करें। लेकिन जब एक बच्चा बढ़ने लगता है तब बच्चे को जिस तरह से जिम्मेदारी दी जाती है और जब बच्चा अपने आत्मिक जीवन में मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब उसको और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। ऐसा ही आत्मिक जीवन में होता है। आपने नोट किया होगा कि इस सभा में इतने सारे लोग आते हैं लेकिन तीन या चार भाइयों से हम ये कहते हैं कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। क्यों? इसलिए कि इन तीन चार भाइयों के बारे में हमें ये ज्ञात हो गया है, हमें यकीन है कि वे लोग आत्मिक जीवन में एक ऐसी अवस्था तक पहुंच गए हैं जहां वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं। एक दो लोगों से प्रार्थना के लिए हम इसलिए नहीं कहते, वो लोग अपने जीवन में परिपक्व अवस्था में पहुंच गए हैं लेकिन हिंदी में प्रार्थना नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे कई भाई हैं यहाँ जिनसे हमने कभी प्रार्थना के लिए नहीं कहा है, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी वे लोग भी इसी तरह से हिंदी में सबके सामने प्रार्थना करने लगे। जब ये भाई जो आज प्रार्थना करते हैं ये जब अपने जीवन में और आगे बढ़ जाएंगे तो हम इनसे गवाही देने के लिए बोलेंगे, और जब उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि भाई आज की सभा में एक 10 मिनट का संदेश दीजिए, और जब उससे भी ज़्यादा जब वे प्रभु के वचन को अच्छी तरह से जान जाएंगे तो उनसे ये कहा जाएगा आज शाम का पूरा संदेश आपसे हम सुनेंगे। अभी तक हम संदेश सुनाते आए हैं लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हम बैठेंगे और हम आपसे संदेश सुनेंगे। इस तरह से आत्मिक जीवन में बहुत विकास होता है, प्रोग्रेस होता है। उसके लिए शुरू के सारे स्टेप्स, सारी सीढ़ियाँ चढ़ना जरूरी हैं, जिसके बारे में तीन सीढ़ियाँ मैंने आपको बताई थी। आज से 3 हफ्ते पहले मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि हर व्यक्ति को कम से कम प्रभु उसकी मुक्ति के समय उसको कम से कम एक विशेष योग्यता, आत्मिक योग्यता देते हैं जिसको हम आत्मिक वरदान कहते हैं। उस आत्मिक वरदान को समझकर उसका पोषण करके उसका उपयोग करना मेरे आपके लिए जरूरी है। उसके अगले संडे मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसको प्रभु ने स्वयं आज्ञा दी थी कि सारी दुनिया में जाओ और दुनिया के हर व्यक्ति को ये संदेश सुनाओ। हम में से कोई भी एक व्यक्ति सारे संसार में नहीं जा सकता है, और ये आज्ञा, इस आज्ञा का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति सारे संसार में जाए, इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति उसको जहाँ जहाँ प्रभु ने भेजा है वहाँ वहाँ जाए और प्रभु का ये संदेश सुनाए। पिछले हफ्ते हमने प्रभु के वचन से ये देखा था कि हम में से हर व्यक्ति को अपने जीवन में नियमित रूप से प्रार्थना करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जीवन में जब मुसीबत आती है तब एकदम से भक्ति आ जाती है, एकदम से प्रभु से बड़ा स्नेह उमड़ आता है। नहीं, भक्ति, प्रभु के प्रति भक्ति हमेशा होनी चाहिए और प्रभु से प्रार्थना हमेशा करना जरूरी है, ये हमने पिछले हफ्ते देखा। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल, इसका नियमित रूप से पाठ करना
हम सब के लिए जरूरी है। आप कहेंगे कि पवित्र बाइबल का नियमित रूप से पाठ करना क्यों जरूरी है? इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से सिर्फ एक कारण आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको प्रभु के वचन से पढ़कर सुनाऊंगा। प्रभु के वचन में इब्रानियों नामक पुस्तक उसके चौथे अध्याय के 12वें पद में हम ये देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। वहाँ हम देखते हैं हिब्रूस 4:12, इब्रानियों 4:12, प्रभु का वचन, जीवित, शक्तिशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा या अधिक धारदार है। केरल में तलवार बंदूकें दिखती नहीं हैं, लेकिन अपन जो लोग उत्तर भारत से केरल आए हैं, जिनका जीवन उत्तर भारत में है, अपन तो तलवार खूब देखते हैं। मैं तो चंबल इलाके में जब भी जाता हूँ तो वहाँ तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी शादी हो, तो तलवारें तो दिखती हैं। इसलिए आज प्रभु की वाणी यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर लोगों ने अच्छे फुल साइज़ के तलवार देखे हैं, लेकिन उत्तर भारत में आजकल जो तलवार है, उनमें से ज़्यादातर तलवार हल्का सा घुमाव लिए हुए चंद्राकार होते हैं। लेकिन आप यदि उत्तर भारत के किसी भी म्यूज़ियम में गए हों, तो आज से 100 साल पहले जब बाकायदा तलवार से युद्ध होता था, उस समय के यदि तलवार, भाले, कटार वगैरह आपने देखे हों, तो आपने नोट किया होगा कि उसमें सीधे तलवार भी हुआ करते थे, जिसके दोनों तरफ धार होती थी और जिसकी नोक ऐसी पैनी होती थी। तो पैने नोक वाली, दो धार वाली तलवार यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनमें बहुत सारे लोगों ने ऐसी तलवार देखी है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन ऐसे पैने नोकदार दो धारी तलवार के समान है, जो इधर जाए तो भी काटेगा, उधर जाए तो भी काटेगा। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा मर्म है जो यदि एक बार हम समझ जाएं, तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि क्यों प्रभु का वचन मेरे आपके जीवन में प्रतिदिन आना जरूरी है, या प्रभु के वचन का पाठ पढ़ना, पाठ करना, पारायण करना क्यों जरूरी है। एक बात बताइए इसको समझने के लिए, अखबार पढ़ते हैं हम, इस बात को जानते हैं कि किसी भी देश में कोई भी सरकार नहीं चाहती कि अपराध हो, जनता भी नहीं चाहती कि अपराध हो। हम सब एक ऐसे शांत समाज में और ऐसे शांत माहौल में जीना चाहते हैं जहाँ किसी तरह का अपराध नहीं है, जहाँ किसी तरह की मारपीट नहीं है, जहाँ किसी तरह की चोरी चपाटी और लूटपाट नहीं है। लेकिन हजारों साल से मनुष्य इस तरह का समाज चाहता है, इसके बावजूद समाज अपराध से मुक्त हो गया क्या? नहीं, समाज अपराध से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपराध बढ़ने लगे हैं। आप में से हर एक व्यक्ति मोबाइल यूज़ करता है, जिनके पास स्मार्टफोन है, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं या नहीं, मैं नियमित रूप से दैनिक भास्कर और दैनिक आचरण नाम की दो हिंदी अखबार पढ़ता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं जिस इलाके से हूँ, चंबल इलाका, आज भी वहाँ क्या हो रहा है इसकी बड़ी जिज्ञासा है, और दैनिक भास्कर और दैनिक आचरण उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध अखबार हैं, इसलिए उन अखबारों को खोलकर पढ़ो तो सारी खबर मिल जाती है। उससे अनुमान हो जाता है कि वहाँ पर मेरे जो मित्र हैं, जिनके साथ मैं पढ़ा, जिनके साथ मैंने नौकरी की, वे लोग किस तरह की स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ, लोकल अखबार भी पढ़ता हूँ, दैनिक भास्कर और आचरण भी पढ़ता हूँ,
कभी कभी जनसत्ता भी पढ़ लिया करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ हर दिन, तो मन में एक बड़ी उत्कंठा होती है कि हे प्रभु, हर व्यक्ति शांत जीवन जीना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा शांत समाज चाहता है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। यदि कल या पिछले साल 100 डकैतियां पड़ी थी तो इस साल 200 हो गई, पिछले साल यदि 100 हत्याएं हुई थी तो इस साल हत्याओं की संख्या बढ़ गई है, बच्चों को घरों से उठाकर लोग ले जा रहे हैं, पिछले साल यदि 500 थे तो इस साल 1000 हो गए। क्यों मनुष्य इस तरह से अपराध करता है? कोई भी व्यक्ति अपराध से भरे हुए समाज में रहना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि जो अपराधी लोग हैं उनको भी पकड़कर सजा दी जाए तो फौरन कहते हैं कि माफ़ करना, आइंदा मैं नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए कि जो अपराधी है इवन वो एक ऐसे समाज में रहना चाहता है जो कि अपराध से मुक्त है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारा दिल, हमारा मन इतना भ्रष्ट है कि प्रभु यीशु से नया जीवन पाने और प्रभु यीशु से मुक्ति पाने के बाद भी पाप से भरी हुई भावनाएं हमको छोड़ती नहीं हैं। आप में से जिनके पास बाइबल है, आज रात को समय मिले तो रोमियो नामक पुस्तक के 7वें अध्याय को जरा पढ़कर देखें, खासकर 7वें अध्याय का जो आखिरी पोर्शन है उसको जरा तसल्ली से पढ़कर देखें। वहाँ प्रभु का वचन इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु के बच्चे होने के बावजूद वो जो पुराना पाप स्वभाव हमारे अंदर था वो प्रतिदिन हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, वो हमारे ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, हमारे मनों को अपने नियंत्रण में लेकर हमसे गलत कार्य करने की कोशिश करता है। इस कारण रोमियो में हम देखते हैं कि वो गलत कार्य जिससे मैं घृणा करता हूँ, मैं अपने जीवन में ये देखता हूँ कि मैं उसी कार्य को करता हूँ, जिस कार्य से मुझे घृणा है वही मैं करता हूँ। कारण क्या है? हमारा मन इस नए जीवन को पाने के बावजूद हमारा मन बहुत भ्रष्ट है और उस मन को, उसमें जो अशुद्ध है और जो शुद्ध है उसको अलग करने के लिए मनुष्य की शिक्षा, मनुष्य की योग्यता या मनुष्य की ताकत उसकी मदद नहीं कर सकती है। उसके लिए एक दिव्य औजार की जरूरत है जो हमारे दिलों में जाकर, दिल में जो शुद्ध है और अशुद्ध है उसको एक दूसरे से अलग करे और हमको बताए कि बेटा ये शुद्ध है ये अशुद्ध है। यहाँ जो पद हमने पढ़ा वो पद या वो श्लोक ये कहता है ये कार्य हमारे जीवन में होगा प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु का वचन जीवित है, शक्तिशाली है और दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है या धारदार है, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेद देता है और मन की भावनाओं को जांचता है। दुनिया में अच्छे से अच्छे व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भैया एक ऐसी मशीन हम बना दें जो आपके सर पे फिट कर दें और जब आपके मन में जब जब गलत भावना आए तो वो ऑन हो जाए, तो ज़रा बताइए आज इस भीड़ में जितने लोग बैठे हैं हम में से कितने लोग वो मशीन अपने सर पे लगवाना चाहेंगे? मैं तो नहीं लगवाना चाहूँगा। क्यों? इसलिए कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मेरे मन में भी गलत भावनाएं आती हैं और इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो दूसरे लोग जाने। लेकिन मेरे मन में एक और इच्छा है और वो ये है
कि जो गलत भावनाएं हैं उनसे मुझे मुक्ति मिले, उनसे मुझे छुटकारा मिले, उसके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन मन की भावना और विचारों को जांचता है। जांचने का मतलब क्या है? जब अध्यापक कॉपी जांचता है तो नंबर देता है, 10 में से यदि 3 ही नंबर मिलते हैं तो हमको पता चल जाता है कि भैया हमारी पढ़ाई सही नहीं हुई है और हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। 10 में से 6 मिल गए तो हमको लगता है वाह वाह वाह, हमारी मेहनत रंग लाई। 10 में से जिसको 7 मिलता है उसको लगता है कि बाप रे 10 में से 7, मैं यदि थोड़ी सी और मेहनत कर लूं तो 10 में से मुझे 8 मिल जाएंगे। जिसको 8 मिलता है वो सोचता है मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं तो 9 मिल जाए, और जिसको 9 नंबर मिलते हैं 10 में से उसको लगता है कि मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं तो 10 मिल जाए। तो जब एक अध्यापक कॉपी जांचता है तो उसका परिणाम देखकर विद्यार्थी, जो मेहनती विद्यार्थी है, उसको ये बात पता चल जाती है कि मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ और मुझे यहाँ से कहाँ तक जाना है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उसी तरह से जब प्रभु का वचन मेरे और आपके मन की भावनाओं को जांचता है तो प्रभु का वचन जांचने के साथ साथ एक अध्यापक के समान हमको बताता है कि मेरे बेटे मेरी बिटिया तुम अपने आत्मिक जीवन में कहाँ हो, तुम्हारा मानसिक स्तर प्रभु के सामने क्या है, कितना है और कितना बदलाव आना चाहिए। पिछले हफ्ते एक विद्यार्थी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया, अंकल मैं बहुत ही ध्यान के साथ प्रभु का वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं प्रभु के वचन को खोलता हूँ तो मन में अश्लील भावनाएं आती हैं और इस कारण मैं एक शुद्ध मन के साथ प्रभु का वचन नहीं पढ़ सकता। भाई मैं इस तरह के हजारों विद्यार्थियों की मदद कर चुका हूँ तो बीमारी मुझे तुरंत पकड़ में आ गई, लेकिन मैंने उसको सही रीति से कन्विंस करने के लिए उससे एक और बात पूछा, अच्छा बेटा यदि प्रभु का वचन पढ़ते समय तुम्हारे मन में अश्लील भावनाएं आती हैं तो आँख बंद करके जब प्रार्थना करते हो तब ये भावनाएं हट जाती हैं क्या? तो उसका जवाब है नहीं अंकल, और ज़्यादा हो जाती हैं। मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, पत्रिकाएं पढ़ते हो क्या? हाँ अंकल पढ़ता हूँ। उपन्यास पढ़ते हो? हाँ अंकल पढ़ता हूँ। कितना पढ़ते हो? तो उसने कहा अंकल कम से कम 2-4 पत्रिकाएं हर दिन पढ़ लेता हूँ, कम से कम 1 उपन्यास हर दिन पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, यदि तुम एक दिन में 2-3 पत्रिकाएं पढ़ लेते हो तो कौन सी पत्रिका पढ़ते हो? सी विज्ञान प्रगति नाम की पत्रिका है, हिंदी में बहुत अच्छी पत्रिका है, उसको पढ़ें तो वैज्ञानिक ज्ञान मिलता है। सर्वोत्तम नाम की एक पत्रिका है, रीडर्स डाइजेस्ट का हिंदी एडिशन, उसको पढ़ें तो उसमें तो सर्वोत्तम बातें हैं, ये पढ़ते हो क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं अंकल, ये पत्रिकाएं तो नहीं पढ़ता मैं, फलानी फलानी पढ़ता हूँ। मैंने सर पे हाथ रख लिया, मैं यही सोच रहा था यही पढ़ता होगा। हिंदी की ऐसी पत्रिकाएं जिसमें ज़्यादातर कहानियाँ अश्लील होती हैं। अच्छा मैंने पूछा कि बेटा जी नॉवल किस किस के पढ़ते हो? सी नॉवल भी बहुत प्रकार के होते हैं, उपन्यास बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। आइसक अजीमोव नाम का एक लेखक है जिसके कुछ नॉवल हिंदी में उपलब्ध है, वो तो पूरी तरह से ज्ञान विज्ञान के बारे में उपन्यास लिखता है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसको इस ब्रह्मांड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैंने पूछा बेटा जी किसका उपन्यास पढ़ते? उसने कहा कि अंकल जी फलाने फलाने लेखकों का उपन्यास करता हूँ। मैंने फिर से सर पे हाथ रखा, आप सुबह से शाम तक अश्लील कहानियाँ पढ़ें, सुबह से शाम तक अश्लील ग्रंथ पढ़ें, और शाम को जब प्रभु के वचन के बारे में आप वचन पढ़ने के लिए बैठे तब आपको लगे कि अश्लील बातें मन में ना, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन चीजों से हम अपने मन को भरते जाते हैं वही चीजें तो मन में आएंगी,
प्रभु का वचन कहता है कि हमारा मन जिन चीजों से भरा रहता है वो चीजें हैं जो बाहर आती हैं। आप कहेंगे कि अच्छा शास्त्री सर, ये बात मैंने इसके पहले तो ये बात सोची नहीं थी। जरा ये बताएं कि मैं जो बातें पढ़ता हूँ, जो बात करता हूँ, जो सुनता हूँ, ये सही है या गलत है? तो मेरा उत्तर ये है कि आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर आप क्या बात करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन प्रभु का वचन एक बात बताता है कि प्रभु का वचन मन की भावना और विचारों को जांचता है। जिसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई प्रभु का बच्चा नियमित रूप से प्रभु के वचन का पाठ करे, पढ़े और मनन करे, मतलब उसके बारे में सोचे कि आज मैंने जो पढ़ा इसका क्या मतलब है और मेरे जीवन में इसके बारे में क्या एप्लीकेशन है, मेरे जीवन में कैसे व्यवहार में लाना है, तब प्रभु का वचन आपको बताएगा बेटा तुम्हारे जीवन में फलानी कमी है। आप पूछेंगे कि शास्त्री सर आपके साथ ऐसा होता है? कि बिल्कुल होता है। जब मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूँ, प्रभु के वचन का अध्ययन करता हूँ, तो कई बार प्रभु का वचन मुझसे बोलता है। खासकर मैं कुछ महीने पहले पुराने नियम में यूसुफ नाम का जो महान नायक हुआ है उसके जीवन का अध्ययन कर रहा था। बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से यूसुफ के जीवन की एक एक बात का अध्ययन जब मैंने किया तो मेरे सोचने का सारा तरीका बदल गया। आप कहेंगे आपके जीवन में ऐसा हो सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तो प्रभु का वचन यह कहता है कि प्रभु का वचन हमारे मनों को बदलता है, एक रूपांतर होता है। ये रूपांतर हम जीवन में देखते हैं। एक बच्चा जो आज भूख लगने पर बिस्तरे पर पड़ा पड़ा रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता इसलिए कि वो बच्चा है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो मम्मी डैडी कुछ कार्य काम करते हैं तो उनके साथ जाके बैठ जाता है, कुछ और बड़ा हो जाता है तो अपना होमवर्क अपने आप करने लगता है, कुछ और बड़ा हो जाता है तो साइकिल पर अपने आप स्कूल या कॉलेज जाने लगता है। लेकिन वही बच्चा जब आर्मी में चला जाता है तो आर्मी से ट्रेनिंग के बाद आता है तो जो कल तक ऐसा खड़ा रहता था, यूं खड़ा रहता था, आप ध्यान देंगे वो बच्चा अब इवन आराम से खड़ा हुआ बात कर रहा हो तो भी उसके खड़े होने का तरीका बदल गया है। रूपांतर, ट्रेनिंग व्यक्ति के स्वभाव को, उसके हाव भाव को, उसके सोचने के तरीके को बदलता है। उसी तरह से जब हम प्रभु का वचन नियमित रूप से पाठ करते हैं, मनन करते हैं, तो वो हमारी भावना और विचारों को जांच कर हमको बताता है कि क्या सही है या क्या गलत है। इतना ही नहीं, जिस तरह से एक दोधारी तलवार यदि आप किसी जगह उससे वार करें तो वो हर चीज़ को अलग अलग कर देता है, उसी तरह से हमारे अंदर जो गलत भावनाएं हैं और जो सही भावनाएं हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग कर देता है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे जीवन में जिस तरह का बदलाव आना चाहिए, जिस तरह का रूपांतर आना चाहिए, वैसा बदलाव आए। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आत्मिक वरदान को समझकर उसका उपयोग करें। उसके लिए जरूरी है कि प्रभु ने मेरे आपके जीवन में जो किया है वो हम दूसरों को बताएं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में नियमित रूप से प्रार्थना करें। उसके लिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन, मनन और पाठ करें। और जब हम ऐसा करेंगे तब प्रभु का वचन हमारे दिल में जाकर गलत बातों को सही बातों को अलग करके हमको बताएगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बिटिया, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है, तुम इसको छोड़ दो। इस तरह से धीरे धीरे हमारे जीवन में रूपांतर आएगा। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे। इस तरह से मैंने आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए चार बातें बताई हैं। लेकिन
इस सभा यहाँ आपके सामने से हटने से पहले मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, और वो यह है कि आज इस सभा में जितने भाई बहन उपलब्ध यहाँ आए हुए हैं, उपस्थित हैं, शायद इन भाई बहनों में एकाध व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं जाना है। आप पूछेंगे, शास्त्री सर, मुक्तिदाता के रूप में जानने का क्या मतलब? वही मैं आपको बता रहा था। जब आप पहचान जाते हैं कि आप पापी हैं, जब आप पहचान जाते हैं कि आप अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा अपने आप को बचा नहीं सकते, और जब आप ये पहचान लेते हैं कि प्रभु यीशु ने सूली पर आपके लिए अपने जीवन बलिदान किया, और जब प्रभु के पास जाकर आप प्रभु से प्रार्थना में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ और मैं इस बात को पहचान गया हूँ कि आपने मेरे लिए सूली पर अपना जीवन दिया, आज मैं आपके बलिदान को स्वीकार करता हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे उद्धार दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, उस क्षण प्रभु आपको एक नया जीवन देते हैं। इस सभा में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने इस नए जीवन को पाया है, जिस खुशी को आपके साथ शेयर करने के लिए आज वे लोग यहाँ पर आए हैं। यदि इस बात को आप नहीं समझते, यदि आपने पहली बार सुना है, या कई बार सुनने के बाद यदि आप इसको और विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इस सभा के बाद मैं यहाँ सामने की तरफ मिलूँगा, मेरे पास आइए, मैं समझाऊँगा। मेरे अलावा यहाँ और भी कई भाई बहन लोग हैं जो ये बात आपको विस्तार से समझाने के लिए ही तैयार हुए आए हैं यहाँ। उनसे इन बातों को सुनकर समझकर इस नए जीवन को पाकर ही यहाँ से जाएं, ये आप सबसे मेरा अनुरोध है।